भारत में आधार कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर जाना जाता है। पहचान पत्र के रूप में ज़्यादातर जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब आपका आधार कार्ड बदलने वाला है। जी हाँ, दरअसल UIDAI ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड यानी PVC पर रीप्रिंट कराया जा सकता है। ये कार्ड ATM और डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। PVC आधार कार्ड सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है। इसके सिक्योरिटी फीचर में होलोग्राम, ग्लॉच पैटर्न, घोस्ट इमेज और माइक टेक्स्ट होगा। PVC कार्ड को बनाने के लिए आपको सिर्फ ₹50 का शुल्क देना होगा। इसके साथ ही इसके जल्दी ख़राब होने की भी चिंता नहीं होगी। ये देखने में सुंदर और इजी टू कैरी होता है। PVC कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड की सारी जानकारियों को प्रिंट किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस PVC आधार कार्ड को आप कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर माई आधार सेक्शन में जाकर ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने आधार का 12 डिजिट का नंबर या 16 डिजिट का वर्चुअल ID या 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट ID डालना होगा। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड भरना होगा। फिर OTP के लिए सेंड OTP पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दिए गई जगह पर भरें और सबमिट कर दें। सबमिशन के बाद आधार PVC कार्ड का एक प्रीव्यू आपके सामने आएगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको पेमेंट पेज पर जाकर ₹50 की फीस जमा करनी होगी। पेमेंट पूरा करने के बाद आपके आधार PVC कार्ड का ऑर्डर प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद UIDAI 5 दिन के अंदर आधार प्रिंट करके भारतीय डाक को सौंप देगा। इसके बाद स्पीड पोस्ट के जरिए यह आधार PVC कार्ड आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में रहने वाले 125 करोड़ नागरिकों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। देश में आधार प्रोजेक्ट को 2010 में लागू किया गया था। तो अगर आप भी नया आधार PVC कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हमारे बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करें और अपना नया PVC आधार कार्ड घर लाएँ।